السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सूरतुल बकरा 2 नंबर की सूरत शरीफा की आयतें थी ये, आयत नंबर 257 से 259 तक, जिसकी तिलावत की तौफीक अल्लाह ने अपने इस बंदे को इनायत फरमाई, जिस पर उसका शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि कबूल फरमा ले। अब इन आयत बयानात में हमारे लिए क्या मजामीन हैं, क्या डायरेक्शंस हैं, किस तरह हमको अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन को सही करना है, सोच को फ़िक्र को सही करना है, उस पर तवज्जो हमारी होनी चाहिए कि रब ताला के क्या डायरेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो हमारी अपनी ज़बान में इसमें की तर्जुमानी अदा करने की कोशिश करें, जबकि हमें मालूम है कि कलाम रब्बानी अर्शे आज़म से नाजिल हुआ है। वइन्नहु लतन्ज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लतकून मिनल मुनज़रीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से तंजील है, ऐसे जिब्रील अमीन नामी फरिश्ते लेकर उतरे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका लैंडिंग पॉइंट आपका कल्ब मुबारक है, ताकि आप सारी दुनिया को वार्निंग दे दें। और ये अरबी ये मुबीन इसकी जबान रखी गई है। सूरह आले इमरान में 27 नंबर की सूरत में फरमाई, तूलजुल्लैल फिन्नहार व तूलजुन्नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। इसके पहले की जो आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयतें हमें याद भी हैं, दुआएं भी पढ़ते हैं, दुआओं में हमारे ये आयत शामिल भी होती है। काश के हमारे दिल और दिमाग और ईमान पर उसका असर हो। रब ताला की पहचान हमको कैसे हासिल हो, रब ताला की मारिफत और पहचान उसकी किताब के सिवा हमें कहाँ मिल सकेगी। किसने देखा है रब को, ला तुद्रिकुहुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार व हुवा लतीफुल खबीर। तमाम बसारतें भी मिलकर उसको अपने फोकस में नहीं ला सकती, सारी बसारतों को उसने काबू में कर रखा है, इंतहाई लतीफ़ और कुदरतों वाला। इस रब का तारुफ़ जब वो खुद दें, उसी वक्त एहसास हो कि उनकी क्या आज़मत है और क्या जलाल है और क्या तकदीस है उनकी। और ये जो वली की सिफत बताई, सूरह अल अनआम 6 नंबर की सूरत में 14 नंबर की आयत में फरमाया, कुल गैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलियन फातिर अस्समावात वल अर्द व हुवा युत्इम व ला युत्अम कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम व ला तकूनन मिनल मुशरिकीन। आप इनसे कहिए, सारी दुनिया से कहिए, कि क्या मैं गैर अल्लाह को अपना वली बनाऊं, जबकि वो रब आसमानों और जमीन का डिजाइनर
और वो सबको सप्लाई करता रहे उनकी ज़रूरतें और उनकी ज़रूरियात में खाना और जो भी चीज़ शामिल हो उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उसने मुझे ये हुक्म दिया है कि सरेंडरनेस में सबसे अव्वल रहूँ, मैं सबसे अव्वल मैं अपने आप को सरेंडर कर दूँ, कभी मुशरिकों का साथ ना दूँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब कोई शख्स खुशकिस्मत होगा, वो शख्स जो अल्लाह को ही अपना वली बना ले। अगली आयत शरीफा हज़रत इब्राहिम के एक वाक़े से ताल्लुक़ रखती है कि दावती ज़िंदगी में जो मराहल आया करते हैं, दावत सबसे पहले इंसानी इंटेलेक्ट को दी जाएगी, इंसान के कॉमन सेंस को दावत दी जाएगी, लेकिन जो कॉमन सेंस पे नहीं समझता है बात को और बात को उलझाना चाहता है और डिबेट करना चाहता है और कुछ दलीलें सामने देना चाहता है, तो फिर एक ऐसी फाइनल बात कह दी जाए कि जो लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन हो, ख़त्म कर दी जाए बात को, इसलिए कि हील और हुज्जत और बहस और तकरार और डिबेट इसका हमको मना किया गया है, ये ज़रूरत नहीं है, बात अपनी फाइनल कह दी जाए और सबको आज़ादी दी जाए, कोई माने चाहे ना माने, इसमें कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं और कोई किसी तरह से साबित करने की ज़रूरत नहीं, हक को पेश कर दिया जाए, किताब अल्लाह के पैगाम को पेश कर दिया जाए, जिस अंदाज से किताब अल्लाह में आया है, बेशतर नबियों की दावत किस तरह चली, रब ताला ने किस तरह इंसानों को अपना तारुफ करवाया वगैरह जालिक, उसको उस तरह से पेश कर दें, फिर भी किसी के समझ में ना आए तो फिर हील और हुज्जत और डिबेट की ज़रूरत नहीं, फाइनल एक बात कह दी जाए। फरमाया रब ताला ने अलम तरा इल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अनाताहुल्लाहुल मुल्क, उस आदमी के हाल पे गौर नहीं किया आपने जिसने हजरत इब्राहिम से उनके रब के ताल्लुक से आर्गुमेंट किए, डिबेट करने की कोशिश की, हालांकि अल्लाह ने उसको बादशाहत दी थी, उसने खुद ये नहीं सोचा कि कोई बादशाह बन के वो पैदा नहीं हुआ था, उसको अपनी तख्लीक याद नहीं रही। बार बार अल्लाह ताला इंसान को उसकी तख्लीक याद दिलाते हैं ताकि इंसान साइज में रहे, उसमें तकब्बुर नहीं आए, वो अपनी असलियत को पहचाने। बार बार इसका जिक्र कुरान शरीफ में है कि किस तरह इंसान की तख्लीक हुई है, चाहे वो उसकी समाजी हैसियत कुछ भी हो, चाहे वो वक्त का बादशाह हो, चाहे वो किसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट हो, कभी अपनी पैदाइश पे गौर कर ले और कभी अपनी मौत पे गौर कर ले तो उसके अक्ल ठिकाने आ जाएगी, उसका तकब्बुर उससे दूर हो जाएगा और वो एक सही इंसान बनने की कोशिश में लगेगा। क्या आपने गौर किया उस शख्स पर जिसने हजरत इब्राहिम से उनके रब के ताल्लुक से आर्गुमेंट करने लगा जबकि अल्लाह ने उसको बादशाहत दी थी? हजरत इब्राहिम ने अपने दावती पैगाम में फरमाया कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब तो वो जो हयात भी दे और मौत को भी डील करे, उसी के हाथ में मौत, उसी के हाथ में हयात, वो हयात दे तो उस चीज़ में हयात पाई जाए, चाहे छोटा सा सेल क्यों ना हो, चाहे छोटा सा कोई हशरातुल अर्ज़ में से कीड़ा क्यों ना हो, चींटी क्यों ना हो, चाहे कवीउल जुस्सा जानवर क्यों ना हो, हयात देने वाला वो चीज़ में से हयात निकाल ले, हयात नहीं डाली जा सकती। लेकिन इसका भी मामला अजीब था इस शख्स का, काल अना उही व उम्मीद, शायद लोगों के फैसले करता होगा इसी तरह, किसी को सजा दे, किसी को छोड़ दिया करे, और इस तकब्बुर में वही समझता था कि हयात और मौत को मैं डील करता हूं, जबकि हकीकत तो यह है कि नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमसबूकीन, तुम्हारी तकदीर में मैंने मौत लिख दी है और तुम मुझे थका नहीं सकोगे। कौन शख्स ऐसा होगा जो ये सोचेगा कि उसको मौत नहीं आएगी? ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, हालांकि सबसे बड़ा सच कायनात का अल्लाह की ज़ात और उसके वाहिद होना और उसकी तौहीद और उसकी वहदानियत है, लोग माना नहीं करते, मगर ये मौत एक ऐसी शय है कि दुनिया का हर शख्स, कुछ पागलखाने में कोई लोग हों तो बात अलग है, हर शख्स ये मानता है कि मौत है, इसका इनकार नहीं और इससे फरार भी नहीं, ये भी लोगों को मालूम है, लेकिन इनकी बात कुछ और होगी। इस तरह के आदमियों को, इस तरह के लोगों को क्या डील, कैसे डील करनी चाहिए? रब ताला ने हमें बताया हजरत इब्राहिम के हवाले से, काला इब्राहीम फइन्नल्लाहा यअती बिश्शम्स मिनल मशरिक फअति बिहा मिनल मगरिब फबुहितल्लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। हजरत इब्राहिम ने आर्गुमेंट नहीं किए, फाइनल एक दलील उसको दे दी कि मेरा रब मशरिक से सूरज को लाता है, तू मगरिब से लाके बता दे,
भूत रह गया, वो डंबफाउंडेड भौचक्का रह गया, वो शख्स जो नाफरमानी वाली बातें कर रहा था या नाफरमान था। और अल्लाह इस तरह के गुनहगार लोगों को, जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। हिदायत बड़ी सिंपल चीज है, अगर हमारा रिसीवर सही हो, हमारा एंटीना सही हो। एंटीना सही होगा, नशरियात तो इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा और सबूत इस दुनिया की हर शय, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सिर्फ इस दुनिया की नहीं, दिखाई देने वाली हमको जो कायनात है, हमारे सामने जो कायनात दिखाई देती है, किधर भी देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हर जगह दिखाई देते हैं। हर शय चीख चीख कर ये दावत देती है कि एक ही रब ने उसको तख्लीक की है, एक ही रब डील कर रहा है हयात को भी और मौत को भी। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती। इसके बाद का एक वाकया रब ताला ने यहां बयान फरमाया, औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़हिल्लाहु बादा मौतिहा। फिर उस शख्स के हाल पर गौर किए, वाकये पर गौर किया, जिसका गुजर हुआ एक ऐसी आबादी पर जो अपने छत के बल औंधी पड़ी थी। अल्लाह के अजाब आते हैं कौमों पर, और फिर यह सिलसिला भी चलते रहता है। बाज़ कौमें एकदम डेड हो जाती हैं अखलाकी तौर से और माशी तौर से, बाज़ कौमों को अल्लाह ताला उभारता है। इस तरह का सिलसिला इस दुनिया में चलते रहता है। वतिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये वाक़या बाइबल में भी मिलता है, और उसमें भी कई ऐसी दूसरी भी रिवायतें हमको मिलती हैं बिब्लिकल सोर्सेस से, और उसमें कई नाम आते हैं, उसमें इख्तलाफ़ भी है। लेकिन हम इस वाक़े को इसकी फेस वैल्यू पर देखेंगे कि उस शख्स ने यह सोचा कि किस तरह अल्लाह ताला मौत के बाद ज़िंदगी दिया करता है, उसके दिल में एक सवाल और एक जज्बा उठा। रब ताला ने उसकी तमसील उसी की ज़ात को बना दिया, और उसके सामने एक ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन पेश हुआ, फअमातहुल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअथा, 100 साल तक के लिए उसको मुर्दा हालत में रखा, और फिर उसको बासा उठाया, दोबारा उठाया, और पूछा कि काल कम लबिस्ता, तुम कितना रहे। काल लबिस्तो यौमन औ बादा यौम, उसका जवाब भी वही था जो नेचुरल जवाब है, एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। इसको हम यूं भी महसूस कर सकते हैं, बाज़ लोग कोमा में चले जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बाज़ बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, कई कई दिन तक मरीज बीमार रहता है। बाज़ कोई और किसी हादसे की वजह से उन पर एक कैफियत यह रहती है कि उनके दिमाग काम नहीं करता, दिमाग सो जाता है, फिर वो उठते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो कितने दिन तक इस हालत में रहे। बल्कि हम अपनी नींद पर ही गौर करें कि नींद से जब भी हम बेदार होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि कितने बज गए, वक्त कितना गुजरा, मैं नींद की हालत में कितना था। ये मौत का मामला भी है। आखिरत में जब सारी इंसानियत खड़ी होगी, चाहे कोई शख्स कयामत के दिन से 2 लाख साल पहले इंतकाल हुआ होगा, कयामत के दिन उसका एहसास ये होगा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं इस कंडीशन में रहा। इस टाइम का जो पूरा फैक्टर है, इस पर कभी इंशाल्लाह वो आयतें आएंगी तो बात होगी कि टाइम को स्टॉप कर देता है अल्लाह। इस पर इस वक्त बात नहीं कह सकेंगे क्योंकि बड़ी साइंसी बातें हैं, डेटा फिगर्स मुझे देना होगा, और इस वक्त वो हाजिर नहीं है, ना इस वक्त ये बात करने की हमको वक्त इजाज़त देता है। टाइम फैक्टर रुक जाता है, इसलिए हमने एक सादी सी मिसाल दे दी। बेहोशी की हालत हो या नींद की हालत हो, हमें यह पता नहीं रहता कि हम कितने देर रहे। और अगर देखे नहीं हम, कैलेंडर ना हो सामने या किसी से पूछें और वो बताए नहीं, तब तक हमको एहसास नहीं हो सकता कि कितनी देर तक या कितने दिनों तक हम बेहोशी की कैफियत या नींद की कैफियत में रहे। इसका भी मामला यही बना। रब ताला ने उसको कहा, काला बल लबिस्ता में आता आम, तुम 100 साल तक इस हाल में रहे, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो नजर उठा के देखो, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, तुम्हारे खाने और पीने की चीजों को देखो कि इन 100 साल गुजर गए, इन पर कोई असर नहीं हुआ, ये खराब नहीं हुई, इसलिए कि उसका हुक्म ऐसा था। हर काम वो कर सकता है, बज़ाहिर एक सिस्टम उसने बना दिया दुनिया में कि इस तरह दुनिया चलेगी, हर चीज की डिजेनरेशन का पीरियड भी बना दिया,
हर चीज की प्रिजर्वेशन का भी पीरियड बना दिया, उससे ज्यादा प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। पानी को एक जगह जमा करें वो उसका प्रिजर्वेशन हमेशा नहीं किया जा सकेगा। फ्रूट्स हैं वो भी खराब होंगे, चाहे फिर आप फ्रिज में रखें, लेकिन फ्रिज में उसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन बहरहाल उसने खराब होना है। ये डिजनरेशन जारी ही रहता है हर चीज में, और हर एक की एक मकदार अल्लाह ने बना दी। नॉर्मल दुनिया में हम इस तरह देखा करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये एक प्रोसेस है, ऐसा ही होता होगा। कभी ये ख्याल नहीं आता कि इस प्रोसेस को डेवलप किसने किया। वो अनाज जो हम खेतों से लेकर आते हैं वो साल भर तक के हमारे पास रह सकता है हिफाजत से, लेकिन जिस उस अनाज को ही जब हम पका लेते हैं, खाने के लायक हो जाता है, तो फिर उसकी प्रिजर्वेशन का टाइम कम हो जाता है। उसको इस्तेमाल कर लें उतने टाइम में, वरना वो खराब होगा। रब ताला ने फरमाया कि तुम्हारी ये कैफियत 100 साल की थी, और ये 100 साल तुम्हें समझ में ना आते हो तो उन चीजों को देख लो जिन्होंने 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहना था, और उनकी हालत यह है कि आज भी वो फ्रेश हैं, इसलिए कि अब सिस्टम को मैंने तब्दील किया है तुमको बताने के लिए, और तुमको ये पता लग जाना चाहिए कि यह होता किस तरह है। होता सिर्फ इस तरह है कि मेरा हुक्म किसी शय को हो जाए, इज़ा अरादा लशयइन अन यकूल लहु कुन फयकून। किसी चीज का उसका इरादा हुआ, चाहे आसमान बनाने हो, जमीन बनाने हो, या उनको खत्म करना हो, या उनको दोबारा बनाना हो, या उनको दूसरा कोई शेप देना हो, एक कुन कहने की देर है हर शय के लिए, और एक कुन हमारे लिए भी होगा। हम दुनिया में एक सिलसिले से आए हैं, वालिद और वालदा हैं, और फिर एक पीरियड हमने शिकम मादर में गुजारा है, लेकिन आखिरत में यही सारे के सारे इंसान हजरत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक एक कुन में सबके सब खड़े हो जाएंगे एक साथ। ये डिमॉन्स्ट्रेशन एक दिन होने वाला है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन इस शख्स के लिए ये बताया गया कि ये तेरे तुम्हारे खाने और पीने की चीजें हैं, ये कुछ खराब नहीं हुई है, प्रिजर्व्ड है अभी तक, लेकिन तुम्हारे सवारी का जो जानवर है, हिमार आया हुआ है, हिमार गधे को कहते हैं, उसके सवारी का जानवर भी पड़ा हुआ था वहां, उसको देखो, और हम तुमको इंसानों के लिए एक निशानी बनाएंगे। वंजुर इलल इज़ाम कैफ नुंशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। अब इसी जानवर की ये जो हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं और उसको 100 साल गुजर चुके हैं, अब इन हड्डियों को हम किस तरह एक हुक्म देते हैं कि आपस में जुड़ेंगी, किस तरह हम इसको जोड़ते हैं और फिर इसको कवर चढ़ाते हैं हम गोश्त का, ये तुम देखो। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। फिर जब उस पर बयान हुआ, ओपन हुआ, तो कहने लगा कि मैं जान गया अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। मौजूदा दौर एक ऐसा दौर है, साइंस तरक्की करते चली जा रही है, और ये जो चीजें हम देख रहे हैं, शुरू दिन से देख रहा है इंसान, पहली मरतबा जब हजरत आदम और माँ हव्वा तशरीफ लाए, देख रहे हैं ये नज़ारे, किस तरह सूरज आता है मशरिक से, फिर अपने वक्त पे वो डूबता है, कैसे सुबह होती है, शाम होती है, बादल हैं, बारिश हैं, मौसम की तब्दीलियां, और हमारी अपनी जरूरतों की चीजें, और ये खेत की फसलें, और ये दरख्त, और ये हमारे फल फ्रूट, और यही हमारी अपनी जिंदगियां, हर शय अल्लाह ताला की तरफ से एक निशान और एक इबरत उसके अंदर में, और एक सबक मौजूद होता है। हम देखते जरूर हैं, पास हो जाते हैं, और आज जब हम ये साइंस कहते ही हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के जो नमूने हैं उसमें से थोड़ा बहुत मालूम कर लेने को साइंस कहते हैं। जो आला साइंसदान हैं वो आज भी इसका एतराफ करते हैं कि कुदरत की जो नए रंगियां और जो कुछ बना कर रखा है उसका इल्म हमें 1% भी नहीं हुआ। यही सूरज जिसको दुनिया लाखों साल से देखते चली आ रही है, थोड़ा बहुत हमें मालूम पड़ा कि इसमें क्या हरारत है, किस तरह तवानाई और एनर्जी इसमें तैयार होती है, थोड़ा बहुत और कुछ मालूम पड़ा होगा हमें दीगर चीजों के बारे में, लेकिन वो इल्म हमारा फिर भी बहुत कम है, 1% भी नहीं होगा। लेकिन ये जो जितनी मालूमात हमें हासिल हुई है, ये सारी चीजें हम आज भी देख सकते हैं। इंटरनेट पर अगर हम चले जाए, उंगलियों से कीबोर्ड दबाकर उन साइट्स पर चले जाएं जिसमें खुद हमारी तखलीक, इंसान की तखलीक शिकम मादर में किस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब ताला कहते हैं फी ज़ुलुमातिन सलास, क्रिएशन के एक पीरियड और कई कई उसके क्रिएशन के पीरियड हैं, और 3 अंधेरों के अंदर में तुम्हारी
तुम्हारा डेवलपमेंट, और फिर तुमको एक बच्चे की शक्ल में अल्लाह दुनिया में भेजते हैं। उसको देखा जा सकता है कि इम्ब्रायो किस तरह डेवलप होता है और रहम मादर में किस तरह बच्चे के बनना शुरू होता है। इम्ब्रायो कैसे उसकी धड़कन पहले दिन से दिखाई देती है, इंसेप्शन से उसमें धड़कन होती है, वही धड़कन जिसमें हमारा दिल धड़का करता है जिस अंदाज से, वो इम्ब्रायो चूंकि लिक्विड शक्ल में और फॉर्म में है, एक अंडे की तरह गोल है वो, और उसके अंदर में दिखाई देता है कि वो धड़क रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलपमेंट शुरू होता है। इसका तस्करा अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले अपनी किताब में कर दिया था। सूरह अल मोमिनून 23 नंबर की सूरत शरीफा में एक तवील आयत है जिसमें हमको बताया गया कि किस तरह तुम्हारा क्रिएशन मैं करता हूं। और आज तो ये चीज इतनी आम हो गई कि उस शख्स को जो मिसाल दी गई होगी, आज हम खुद अपनी ही क्रिएशन पे इस मिसाल को ले सकते हैं, और उसके बाद भी फिर हम अल्लाह का एतराफ ना करें, अल्लाह का इनकार करें, या इसको एक ऑटोमेटिक प्रोसेस समझ लें। क्या इसके पीछे कोई कुदरत नहीं, कोई हुक्म नहीं, और क्या हम इस पर कुदरत रखते हैं कि जो चाहें वो कर लें? हम तो 1000 साल जीना चाहते हैं, जी लेंगे, हम तो कभी बीमार होना नहीं चाहते, हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ करता। हम भी मजबूर हैं। रब ताला तो यहां तक फरमाते हैं फी आइए सूरत माशा रक्कबक, तुम्हारी जो सूरत है ना, शक्ल तुम्हारी, वो भी मैंने बनाई है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही अल्लाह है जो तुम्हारी माँ के वूम में तुमको शक्ल दे देता है, और वही लिक्विड जो धड़क रहा है, इम्ब्रायो जो धड़क रहा है डेवलप होते होते, अगर उसको देखा जाए स्क्रीन पे, अल्लाह की जबरदस्त कुदरत दिखाई देती है। लेकिन एक शख्स उसको देखेगा वो साइंस का करिश्मा समझेगा, और एक शख्स देखेगा तो उसको खुदा का खौफ, उसकी ताकत, उसकी प्लानिंग और उसके मंसूबे, उसका एहसास होगा। देखने देखने की नजर अलग अलग होती है। रब ताला यहां फरमाते हैं सूरह अल मोमिनून में, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, बेशक हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, सुम जालनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन, फिर उसके जर्म सेल को हमने एक पर्टिकुलर जगह ठिकाने पर करार दिया, सुम खलकनल नुतफत अलका, और फिर उसी एम्ब्रायो में उसको, वो जर्म सेल से एम्ब्रायो में तब्दील हुआ, फखलकनल अलकता मुज़गा, फिर उसी एम्ब्रायो को हमने लोथड़े की शक्ल दी, फखलकनल मुज़गता इज़ामा, फिर उसी में, उसी एम्ब्रायो के अंदर में हमने हड्डियां पैदा की, फकसवनल इज़ामा लहमा, फिर इन्हीं हड्डियों को हमने गोश्त कवरिंग चढ़ाया, सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, फिर हमने एक फाइनल शेप तुमको दिया, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितनी बरकतों वाला है अल्लाह, बेस्ट क्रिएटर। किस चीज से? मिट्टी, जर्म सेल, रहमे मादर का इम्ब्रायो, और फिर एक बच्चा एक पर्टिकुलर महीनों के बाद दुनिया में आता है। तबारक अल्लाह अहसनल खालिकीन सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून। साइंस अब ये बात नहीं कहेगी, साइंस ये सारी चीजें बता देगी, इंटरनेट पर जाके हम सारा नजारा देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद की शय वो साइंस बताएगी जो आखरत की साइंस है। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, फिर इसके बाद तुम एक दिन मौत की कैफियत में जाओगे, मरोगे तुम, मौत आएगी तुम्हें, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ, और फिर बेशक तुम कयामत के दिन दोबारा खड़े किए जाओगे। फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, उसको ख्याल रखना, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, अब देखा जाएगा कि इसके पॉइंट्स प्लस कितने हैं और माइनस कितने हैं, नेकियां इसने कितनी कमाई है, नेकी का वजन ज्यादा हो गया तो उसको ऐश और आराम मिलेगा, नेकियों का वजन कम हो गया तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसको सजा भी बहुत भयंकर मिलेगी। ये बातें साइंस एक वो अमल को बता सकती है, लेकिन उसमें इबरत जरूर हासिल होगी, नसीहत यहां से हासिल होगी कि सारी चीजें देखने के बाद हमारी स्टाइल क्या होनी चाहिए। क्या वाकई हमें खौफ खुदा उस दर्जे पैदा होता है? क्या वाकई हम अपने आप को समझ सकते? आज हम एक
जी हैसियत इंसान बन के यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम पीछे जाकर सोच सकते हैं कि हम कुछ भी कोई काबिले तस्करा चीज नहीं थे? रब तआला फरमाते हैं, हला तआला इंसान हीनुम मिन दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा। क्या इंसान पर कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि वो कोई काबिले तस्करा चीज ही नहीं था? उसके वालदैन को भी नहीं पता था कि कौन साहब तशरीफ लाने वाले हैं, साहब हैं कि साहिब हैं वो भी नहीं मालूम, बेटा है कि बेटी है, जबकि अल्लाह ताला इसको भी तय कर देते हैं, सूरह नजम बयान फरमाया। लेकिन इस वक्त इतना वक्त भी नहीं है, जब इंशाल्लाह सूरह नजम पे आएंगे उस वक्त ये बात होगी कि किस तरह अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक करते, हमारी इस पे चलती नहीं। इन चीज़ों को देखने के बाद एक शख्स को ये डिमॉन्स्ट्रेशन कभी दिया गया होगा, आज तो हम में से हर एक को जो इंटरनेट पर एक्सेस करता हो हर एक उस डिमॉन्स्ट्रेशन को देख सकता है। होना तो ये चाहिए था कि आज के इंसान में ज्यादा ईमान होता, ज्यादा उसमें खौफ खुदा होता, अल्लाह की मारफत और पहचान उसको ज्यादा होती, अल्लाह की खशियत उसको ज्यादा होती। मामला उल्टा है, मामला इसलिए उल्टा है कि उसका चश्मा सही नहीं। इस चश्मे को सही करना होगा, इसके एंगल्स को सही करना होगा, तब बात समझ में आएगी कि यह इंसान एक बामकसद तरीके से किसी पर्टिकुलर वजह से पैदा किया गया है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन। क्या तुमने ये कैलकुलेशन लगा लिया है कि हमने तुमको यूं ही पैदा कर दिया और तुम हमारी तरफ पलट कर नहीं आओगे? फतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। इंतहाई आला है वो रब, अर्श करीम का मालिक है। तुमने सोचा ही कैसे उसके बारे में, कैसी बेफायदा चीज है ये, इसे पैदा करता रहेगा? एक एक शय चाहे जर्रा हो, चाहे छोटा सा कीड़ा हो, चाहे कोई इंसान हो या इससे भी कोई मखलूक हो, एक मकसद के तहत पैदा किया गया, खेल और तमाशा नहीं है। तवज्जो होनी चाहिए हमारी इस पर कि जिंदगी कितनी अहम है, और ये पीरियड जिसको एक टेस्टिंग पीरियड है या एक एग्जामिनेशन हॉल में हम ये जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी कद्र होनी चाहिए। जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में केयरलेस रहेगा, क्या वो एग्जाम पास कर सकेगा? जरूरत इस बात की है कि जिंदगी को हम पहचाने, हमें एहसास हो इस बात का कि हमें एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। ये जो नेमतें सुम्मल तुसलुन यौमैज़िन अनिन नईम, ये नेमतें अल्लाह ने हमको दे रखी हैं, उसका हमको सवाल होगा। अल्लाह करे कि इस तरफ हमारी तवज्जो हो। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम।